तुम तीर क्यों लाया? तुम्हारी सूरत देखने के लिए नहीं, उन हीरो के लिए जो तुम कस्टम से छुपा कर लाए हो। तुम्हारी चालाकी की दाद देता हूँ किसलवा, निकालो वो हीरे। किसलवा, जान की सलामती चाहते हो तो बताओ हीरे कहाँ है? नो नो अभी तो नो। बताओ मेरे खान। नो अभी। Please tell where are the diamonds? I don't know. You have to know! Dishilva! Batao hiya kaha hai! Main puchta hu hiya kaha hai! Dishilva! Boss? बताए भाई आंख निकालो, निकालो हम रास्ते में निकाल दी जाएंगे। नो निकालो, निकालो वरना गोली गर्दन पे लगा हो जाएगी। निकाल रही है सेंटर पुलिस कस्टम एक्साइज और गवर्नमेंट का हर महकमा पूरी तरह से मदद करेगा। आप बेफिक्र रहिए सर,
मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूंगा। गुड। हवलदार हमारे कसूर? अरे तुम लोग कसूर नहीं करोगे तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? मुजरिम को पकड़ना हवलदार राव की पहली ड्यूटी है। मगर हम गरीबों का जुर्म क्या है? तुम गरीब नहीं हो, गरीबों के दुश्मन हो। सोना समगल करके मुल्क में बदअमनी फैलाते हो। तुम्हारी वजह से चीजों के भाव बढ़ते हैं और भुगतना असली गरीबों को पड़ता है। अरे कुछ मिला? हवलदार साहब कुछ नहीं मिला। ओ, सोना कहाँ है? सोना? हवलदार साहब हम गरीबों के लिए तो यही सोना। देखो 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 टोकरी उठाओ 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 जल्दी करो। देखो 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 कुछ है? अगर भाई कुछ नहीं तो चलो फिर आओ आओ चलो चलो चलो। हवलदार साहब आपने बड़ी मेहनत की है, बीवी बच्चों के लिए दो चार मछलियां तो ले जाओ। शादाब, इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं की कि शादी करूंगा तो बच्चे पैदा होंगे, बच्चे होंगे तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो रिश्वत खानी पड़ेगी और रिश्वत मेरे लिए महापाप है, समझे? आओ आओ चलो चलो चलो। यस, क्या चाहिए आपको? कौन आप लोग? मैं हूँ दीवान दीनानाथ, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम्स। पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर मारिया। और आप? मैं इस कंपनी का जनरल मैनेजर। ये है आपकी कंपनी के नाम सर्च वारंट। वारंट? या ओके सर। गो अहेड। थैंक यू। मिस्टर जनरल मैनेजर, मिस किटी कहाँ है? मिस किटी? यस। मेरे ऑफिस में कोई मिस किटी नहीं। आपने अपना नाम क्या बताया? दीवान दीनानाथ। ओह अंकल, बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका मरहूम दोस्त रत्नाकर जो अलीबाग में रहा करते थे उनका बेटा हूँ। ओह नो, तुम शेखर? बेटा आज 20 साल के पास तुम्हारी सूरत दिखाई दी। कहाँ थे इतने सालों से? अंकल ये तो एक लंबी कहानी है। ये बताइए आप सब लोग कैसे हैं? अंकल सीमा कैसी है? सीमा तुम्हें अभी तक याद है? कैसे भूल सकता हूँ अंकल। याद है जब मेरे पिताजी लाइट हाउस पर काम करते थे, सीमा रोज मेरे साथ खेले आया करती। वो भी तुम्हें नहीं भूली। उस रात जब उसे इत्तला मिली कि दीवा दानी में तुम्हारी फैमिली के साथ जबरदस्त हादसा पेश आया है, तो वो भी बहुत हुई थी। हाँ अंकल, उस ट्रेजडी को तो मैं भी नहीं भूल सकता। सॉरी सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। सॉरी शेखर, ड्यूटी इज ड्यूटी। इट्स ऑलराइट सर, आज इसी बहाने आपके दर्शन हो गए। एनी टाइम बेटा, जब कभी छुट्टी मिले अलीबाग जरूर आना। मैं जरूर आऊंगा सर। चलो सर। यस यस प्लीज। मैं शिपिंग कंपनी के जनरल मैनेजर से मिलना चाहती हूँ। शिपिंग कंपनी का जनरल मैनेजर मैं ही हूँ। बैठिए, तशरीफ रखिए। आपकी तारीफ? मुझे अपने मुंह से अपनी तारीफ करने की आदत नहीं। बड़ी अच्छी आदत है। बुकिंग के लिए आई हैं आप? जी हाँ, मैं आपके शिप एसएस वेरोना से कुछ सामान बुक करने आई हूँ। माफ कीजिए मैम साहब, हमारा एसएस वेरोना अभी अभी लंबे सफर से वापस आया है। तो क्या बहुत थक गया है? सामान कहाँ भिजवाना है आपको? अलीबाग। जी जी हाँ, अलीबाग। देखिए हमारे जहाज इतने लंबे सफर पर नहीं जाते हैं। मैंने सोचा था आपको शायद कहीं अमेरिका, जापान या बर्मा कुछ भेजना। माफ कीजिएगा, मैं हिंदुस्तान की रहने वाली हूँ और मेरे ख्वाब भी हिंदुस्तान के हैं। जय हिंद। अलीबाग का एड्रेस लिखवाइए। केयर ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम्स, दीवान दीनानाथ। वो तो अभी भी यहाँ तशरीफ लाए थे। अगर बुरा ना माने तो जान सकता हूँ दीनानाथ जी से आपका क्या संबंध है? ओह, सिर्फ बाप बेटी का।
तुम्हारा नाम सीमा है ना? आप क्या ज्योतिषी हैं? देखिए मजाक मत कीजिए, आप मुझे नहीं पहचानती, मेरा नाम शेखर है। शेखर? कौन शेखर? आपको कुछ याद नहीं रहा? अब जरा आप 15 साल पीछे लौट जाइए। 15 साल पीछे मैं क्यों लौट जाऊं? अच्छी वाली जवानी छोड़कर फिर से बच्चे क्यों बन जाऊं? बताइए। आपको गोगा लाइट हाउस भी याद नहीं रहा? आप एक दुबले पतले लड़के के साथ खेला करती थी। हाँ हाँ, एक दुबला पतला सा आवारा सूखा सड़ा सा लड़का खेला तो करता था, लेकिन मैंने उसे कभी अपने मुंह नहीं लगाया। मुंह तो मैं भी नहीं लगाता था। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप वो लड़की नहीं हो सकती, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। क्या वो लड़की खूबसूरत नहीं थी? जी बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी, एकदम भद्दी थी, नाक बहती रहती थी, मक्खियां भिनभिनाती रहती थी, मेरे पीछे शेखर शेखर कहकर घूमती थी। क्या कहा, वो गंदी थी, नाक बहती रहती थी, मक्खियां भिनभिनाती रहती थी उसके पीछे। आप तो ऐसे नाराज हो रही हैं जैसे आप ही वो लड़की हैं। हाँ, मैं ही वो सीमा हूँ। सीमा, तो फिर आपने शेखर को क्यों नहीं पहचानती? पहचान लिया शेखर। शेरखान, यह बात लॉन्ग जाना पिंटो कहाँ है? वो सब नीचे है बात। अभी क्या की करता है? देख कहीं काका से ऊपर खड़ा है, हंसो पर भेजो। लॉन्ग जाने पिंटो, काका से डाया तुमको बुला रहे हैं। कहो शेर खान, काम कैसे चल रहा है? शेर खान की मौजूदगी में काम कैसे नहीं ठीक चलेगा काका सेठ? शाबाश, शेर खान वतन के लिए अपनी जान भी दे सकता है। पकड़ो मत, स्मगलिंग में वतन का सवाल कहाँ पैदा होता है? हमें वतन से कोई काम नहीं। ठीक है काका सेठ, इस मोटी अक्कल वाले आदमी को मैं समझाता हूँ। देख भाई शेर खान, तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि इन भाई लोगों का कोई वतन नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई मां नहीं। तुम काम की बात करो ना, काम की। काका सेठ, छोटा शेख तेरे दरबार में हाजिर है। खुश आमदीद, खुश आमदीद। छोटा शेख, क्या रिपोर्ट लाए? रिपोर्ट ये है कि हम गोल्ड लाकर आपके आदमी रमन के हवाले कर दिए। रमन, गोल्ड मिल गया? यस सर। अब उस गोल्ड के बदले हसन और जमाल पाशा को माल दिया जाए ताकि हम लोग वापस जाए। तुम्हारा माल तुम्हें मिल जाएगा। शुक्रिया। बूढ़ा सिंह, हाजी मालको, जासमीन से कह दो कि इनका माल इनके हवाले कर दे। आई एम वेरी सॉरी मैडम, अनुम बेबक्शी। हेलो पाशा। हाँ बूढ़ा सिंह, कैसा? अच्छा अच्छा, काका सेठ बोला तुम्हारा गोल्ड मिल गया। ठीक मिस्टर हरुजा, रमन को इतला दो कि गोल्ड का डिलीवरी कल सुबह दे दिया जाएगा। ओके। हमारा माल? तुम्हारा माल अभी यहाँ मिल सकता। इधर कैसे लेने सकता? हम तुम्हारा गोल्ड इधर लाया, तुम हमारा ओपियम इस्तांबुल में देना मांगता। मिस यस्मीन, इनके सब डायमंड इनके साथ सिंडिकेट के जहाज में इस्तांबुल पहुंचा दो। नो, हम नहीं जाएगा। अंचिम जन जंजीरे पॉय मनासी तो जने मनासी बॉयज भी होए मन कनी जत नि सम मैं मन फुल मोफ ना मिदी मन ना मिरा तो हसी। जैस्मिन, तुम्हें इनके साथ जाना पड़ेगा। टाइगर सिंह, तुझे कब खबर थी? हेलो पुलिस, इन्फॉर्मर आहूजा। आहूजा, सॉरी सर, एक्सचेंज इज हेल्पलेस। गुड लक सर, वेरी गुड न्यूज, हवालदार राव का छापा कामयाब रहा, लाखों का सोना और घड़ियां पकड़ी गई। कोई आदमी पकड़े गए? 5 सर। वो लोग हैं कहां, उन्हें पेश क्यों नहीं किया गया?
वेरी सॉरी सर, मुर्दों को पेश करना कानून के खिलाफ। शट अप नाउ। मरिया सर, वो कॉल कहां से था? अलीबाग से सर। हमारे हेडक्वार्टर्स फॉरन वहां शिफ्ट करो। राइट सर। वेरी गुड आइडिया सर, मुजरिम को पुलिस की नजरों में रहना चाहिए और पुलिस को मुजरिम की नजरों में, ताकि दोनों को तकलीफ ना हो। राव। यस सर। विल यू प्लीज शट अप एंड गेट अप। ग्रीटिंग टुडे राजेश। ये राजेश कौन है? मेरा जिगरी, मेरा यार, मेरे स्कूल और कॉलेज का साथी। इसकी दोस्ती पर मैं जितना नाज करूं उतना कम है। अच्छा, इस राजेश के बारे में तुमने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। जिक्र कैसे करता, ये कमीना पुलिस में जो भर्ती हो गया, और मैं गरीब इधर मॉडर्न शिपिंग कंपनी में मारा मारा फिर रहा हूँ। सीमा, जब तुम सामने होती हो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा, आप देखिए बातें कम बनाइए और हमारे साथ पिकनिक पर चलिए। पिकनिक पर? मैं पिकनिक में कैसे जा सकता हूँ? बेचारा इतने वर्षों के बाद आ रहा है, मुझे यहाँ नहीं पाएगा तो कितना मायूस होगा। जब से ये जीप बनी है आज पहली बार इसका पटाखा चला है। राव। यस सर। बको मत, जीप से जैक निकालो। सॉरी सर, जैक नहीं है। जैक नहीं है, व्हील पाना निकालो। सॉरी सर, वो भी नहीं है, स्क्रू ड्राइवर निकालो। सर, स्क्रू तो निकाला जा सकता है, मगर ड्राइवर को निकालना बहुत मुश्किल है, वरना गाड़ी कौन चलाएगा? राव, आई एम फेड अप ऑफ यू। आखिर तुम्हारी ये जीप चलती कैसे? सर, पुलिस की जीप है, अपनी रेपुटेशन पर चलती है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग जो है ना सटिया गया है। जाओ जल्दी से बड़ा पत्थर तलाश करो। ओके सर, ओके सर। अरे ये पत्थर बनकर मेरी तरफ क्या देख रहे हो? जाओ जाकर बड़ा सा पत्थर तलाश करो। चलो। ए, कौन हो तुम? शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? हाँ, जूती चोर, चलो। ए, जूती चोर, ये क्या हो रहा है? खबरदार जो हमारे जूतों को हाथ लगाया। हाँ, माफ कीजिए, मुझे जूतों की नहीं पत्थर की जरूरत थी। पत्थर की जरूरत थी? क्यों, किसका सर फोड़ना था? देवी जी, मैं पागल तो नहीं जो किसी का सर फोड़ दूं? सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़े बड़े चोर सुने थे, लेकिन फैशनेबल चोर आज देखा है, और वो भी जूती चोर। मेम साहब, जरा तमीज से बात कीजिए, शायद आप जानती नहीं मैं कौन हूँ। आप तमीज से बात कीजिए, ज्यादा बड़बड़ की तो कर दूंगी पुलिस के हवाले। बेशक आजकल के जेंटलमैन अपने आप को समझते क्या है, इन लोगों का धंधा यही है, पहले बीए पास करते हैं और जब नौकरी नहीं मिलती तो जूते चुराना शुरू कर देते। पकड़ कर ले जाओ इसे, कर दो पुलिस के हवाले। जीप तैयार है। जीप की क्या जरूरत थी, हथकड़ी लगा कर ले जाओ। मेम साहब, इस बेचारे की क्या मजाल जो इस इलाके के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हथकड़ी लगाए। वैसे अगर आप अपना कैदी बनाना चाहती हैं तो एसपी राजेश हाजिर है। एसपी राजेश, बहुत बदतमीज लड़कियां हैं। बड़ी ही बदतमीज है। वेरी सॉरी, I'm so sorry. कोई बात नहीं। No, I'm really very sorry. फिर भी कोई बात नहीं। फिर भी इनकी बदतमीजी पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वैसे आपकी शर्मिंदगी भी कम खूबसूरत नहीं। मुझे फख्र है कि इस बहाने आपसे मुलाकात हो सकी। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी 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 जी, सीमा, ये सब मुझे सीमा कहती हैं। सीमा जी, बड़ा ही खूबसूरत नाम है। जी जी, अच्छा मैडम नमस्ते। शेखर, हाय राजेश। बरसों के बाद दोस्त की याद आई है ना? मैंने तो सोचा था पुलिस में भर्ती होकर मुझे भूल ही गए। पगला कहीं का, दोस्त दोस्त को कभी भूल सकता है? इतने दिन याद क्यों नहीं किया? डीडीटी साहब का सामान निकालो जी। शेखर सुन, मैं तेरे वहां इस बार नहीं ठहर सकता। गवर्नमेंट ड्यूटी पे आया हुआ हूँ, मुझे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ठहरना होगा। गवर्नमेंट ड्यूटी? लगता है एसपी साहब
गरीब के झोपड़े में आपको नींद नहीं आएगी। फिर तूने ताना कस दिया ना, मेरी जान, ड्यूटी इज ड्यूटी। ड्यूटी पर छोटा सा कस्बे में कौन सी इतनी बड़ी ड्यूटी है? ये हर कस्बा छोटा सा है लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े हैं। किसी दिन फुर्सत में समझाऊंगा। हाँ मैं चलूं, लेकिन देखो ड्यूटी में यार को मत भूल जाना। ऑल द बेस्ट। सर आप हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम श्रीमान दीनानाथ जी। दीनानाथ जी, हाउ आर यू सर? फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। मैं आपके बारे में हाजी साहब से काफी कुछ सुन चुका हूँ। थैंक्स, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ये ना तशरीफ, मुझे अभी ड्यूटी पर जाना है और आप लंबे सफर से आए हैं, थके हुए होंगे, अभी आराम कीजिए। शाम को मेरे साथ डिनर खाइए, वहीं बैठकर डिस्कशन होगा। थैंक यू सर, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आते ही घर का खाना नसीब हुआ। प्लेजर इज माइंड। थैंक यू सो मच। सी यू टुनाइट। यू आंस बाय राव। यस सर। मेरा सामान अंदर पहुंचा। Daddy, I'm so sorry, I'm late. You're always late. बैठो बेटा। मिस्टर राजेश, मीट माई डॉटर सीमा। आपसे तो पहले ही बड़ी खूबसूरत मुलाकात हो चुकी है। जी, उस मुलाकात पर मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। ये कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तशरीफ रखिए ना। बहुत खूब लीजिए। थैंक यू। इतना सारा नहीं, बस लीजिए। लीजिए ना थोड़ा सा। मगर आप भी तो कुछ लीजिए, मेरी प्लेट में ऑलरेडी काफी कुछ है। मैं तो लूंगी, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं खा रहे। मैं तो खा ही जाता हूँ। ओहो, बस बस कीजिए सीमा जी। थैंक यू थैंक यू। आप भी तो कुछ लीजिए। लेती हूँ। देखिए आप शर्माइए नहीं, वरना मैं सोचूंगी आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। अगर आप मुझे इतना सारा खाना खिला देंगी तो मुझे वापस घर नहीं हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर ऐसा मौका आया तो नर्स की ड्यूटी मैं दूंगी। शॉप से मार डालिए, ये खूबसूरत बात तो मुखदर वालों को मिलती है। अभी से मरने का इरादा न कीजिए मिस्टर राजेश, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। पुलिस की नौकरी में रहकर जिंदगी और मौत से खेलना ही पड़ता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले खाना तो खाइए। बस कीजिए, हमें अब कुछ काम भी तो करना है। शैल वी रिवान सर? ऑफ कोर्स, लेट्स गो। डेविड, कॉफी हॉल में ले आओ। ओके सर। मिस्टर राजेश, यही वो इलाका है जहां से स्मगलिंग होती है। पुलिस और कस्टम ने कई बार मिलकर छापे मारे लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। वन थिंग इज डेफिनेट, स्मगलर्स यही रहते हैं। जी हां, आई एंटायरली अग्री विद यू दीवान साहब। ये लोग देश की इकोनॉमी खराब करती हैं। सोना चोर दरवाजे से अंदर आता है और गवर्नमेंट की बुनियादें हिला करके गायब हो जाता है। लेकिन ये लोग हैं कौन? अपने ही लोग हैं जो गैरों के इशारों पर नाचते हैं और अपने मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल गैंग है। ऐसे लोग तो गोली से उड़ा देने के काबिल हैं। ये लोग हिंदुस्तानी नहीं, गद्दार हैं, गद्दार, जिनका कोई नेशनल कैरेक्टर नहीं, कोई कौमी विकार नहीं। तुझे क्या, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। आप नहीं जानती माँ, ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है। अगर मेरा बस चले तो मैं हिंदुस्तान की हर माँ को इस बात पर मजबूर कर दूं कि सबसे पहले वो अपनी औलाद को नेशनल कैरेक्टर समझाए, अपने देश पर कुर्बान होना सिखाए और उसके बाद अपने आप को हिंदुस्तानी कहे। शाबाश बेटी, मुझे खुशी हुई कि मेरे खून में देश के लिए इतनी तड़प है। मिस सीमा, आपके कौमी जज्बात ने मुझ पर जादू कर दिया। क्या मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि आपसे एक और मुलाकात हो? ना होगी तो मेरी बदनसीबी होगी। आप तो इतने करीब आ गए हैं कि अब दूर रहने का सवाल पैदा ही नहीं होता। इसे तो जाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो दीवान साहब, अब मैं आपकी जा सकी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिस्टर राजेश। थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस फूड। जी हेलो, एसपी राजेश प्लीज। सॉरी सर, एसपी साहब नहीं है। उनके लिए एक तोहफा था तो आप ही ले लीजिए। आज धर्मतर रोड पर आने जाने वाले सब ट्रकों की पूरी निगरानी रखिए। आपका नाम? एक देशभक्त। हेलो, क्या है हवलदार? अभी पता चलता है, तलाशी दो। ले लो। चलो।
आए। ये ट्रक खाली क्यों है? ट्रक खाली रहना कोई जुर्म तो नहीं होगा? हाँ जुर्म है, ये ट्रक सामान लाने और ले जाने के लिए पास हुआ है, इसका खाली रहना बहुत जुर्म है, आइंदा कभी इसको खाली मत लाना मेरे सामने, समझ गए? आप क्यों नहीं? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, सिग्नल हमने देखा नहीं। हाँ। अभी मालूम हो जाता है। सिपाही ऑफ, ट्रक की और इन सब की तलाशी लो। श्योर श्योर। यस प्लीज। अरे ड्यूटी में शर्म का क्या काम, चलो अपनी अपनी टोकरी चेक कराओ। चल चल, बड़ा आया टोकरी चेक करने वाला, टोकरी में सोने की नहीं पानी की मच्छियाँ हैं। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम लोग कितने पानी में हो। खराब हुआ है? क्यों हमारी मच्छी खराब करता है? कटी मच्छी हमारा बाप खरीदेगा क्या? अरे ये मच्छियां तो क्या, मैं तो समंदर की सारी मच्छी काट कर देखूंगा कि उसमें सोना है या नहीं। तो फिर हमारी मच्छी क्यों काटते हैं? समंदर में जाके देखिए ना। अच्छा बाबा, जाता हूँ, चिल्लाते क्यों है? सीमा मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मेरी सहेली ने तुम्हारे बारे में मुझे इतना कुछ बता दिया है कि तुमसे डर लगने लगा है। क्या बता दिया? नहीं 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 बताऊंगी, तुम्हारी नाम मेरी जान निकाल देगी। बताओ ना क्या कहती थी तुम्हारी सहेली? दूर बैठो। और ओफो, बताओ क्या कहती थी? मेरी सहेली कहती है कि नाना करने से मर्द औरत का गुलाम हो जाता है। अच्छा, तो तुम गुलाम बनाना चाहती हो? और क्या कहती थी? और मेरी सहेली ये भी कहती है कि जब मर्द जज्बात से बहुत बेताब हो जाए तो उसे लड़की से नहीं, लड़की के बाप से मिलना चाहिए। लगता है तुम्हारी सहेली मुझसे प्यार करने लगी है। और तुम्हें उल्टी सीधी बातें सिखाकर तुम्हारा पत्ता काटना चाहती है और अपनी बोगी इस इंजन से जोड़ना चाहती है। सीमा, तुम्हारी सहेली है कैसी? बहुत खूबसूरत है, जवान है, हाँ। चंचल है। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं। गंदे, दूसरी लड़कियों के बारे में सोचते हो? हाँ, अब तो सोचना ही पड़ेगा। क्यों, मुझ में कौन सी कमी है? कमी नहीं, ज्यादती है। मैं पास आना चाहता हूँ, तुम दूर जा रही हो। सीमा, दूर तो नहीं जाओगी? सच्ची तुम्हारे प्यार में अब हालत बहुत खराब हो रही है। हाँ सीमा, मेरी है ना? दिल में तू ही तू है, मेरा एतबार कर ले, जो ये सच है मेरे साथी जरा खुल के प्यार कर ले। मेरे दिल में तू ही तू है, मेरा एतबार कर ले, जो ये सच है मेरे साथी जरा खुल के प्यार कर ले। मेरे दिल में
बदले मैं खरीद लूं खुशी से उसे हर खुशी के बदले जो मिले तेरी मोहब्बत मुझे जिंदगी के बदले मैं खरीद लूं खुशी से उसे हर खुशी के बदले मेरे दिल में तू ही तू है मेरा ऐतबार कर ले जो ये सच है मेरे साथी जरा खुल के प्यार कर ले मेरे दिल में तेरा जलवा जहां सर झुका के देखा ये गजब किया जो तूने मुझे मुस्कुरा के देखा वही देखा तेरा जलवा जहां सर झुका के देखा ये गजब किया जो तूने मुझे मुस्कुरा के देखा मेरे दिल में तू ही तू है मेरा ऐतबार कर ले जो ये सच है मेरे साथी जरा खुल के प्यार कर ले मेरे दिल में हेलो मैं एसपी राजेश बोल रहा हूँ जनाब एसपी साहब बहुत अच्छा मौका है काका सेठ की पूरी गैंग कोलक बंदर पर मौजूद है आज शाम को चांदी स्मगल हो रही है तुम कौन हो एक देशभक्त देशभक्त हेलो 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 और डार्लिंग याद रखना मौका पड़ने पर उनके माफिक हम भी अपना जान दे देगा तुम्हारे लिए अरे पब्लिक का डर नहीं मामा पापा का डर नहीं अरे पुलिस से तो डरो अरे इस करना कोई जुर्म है क्या अरे ओ राजे की औलाद खुले मैदान में क्या इश्क करता है पब्लिक का ईमान बिगाड़ता है क्या
अरे क्या हुआ हवलदार राव? हाँ मामा पापा तुम तो आओ इधर आओ। हवलदार? पूछो मत पापा, अगर आज मैं मौके पर नहीं आता तो तुम्हारी इज्जत खतरे में थी। ये लफंगा तुम्हारी बेटी को किक करने लगा था। ओह, किस करने में क्या बुराई है? लवरलोग को आपस में किसका नहीं मानता। अगर हमारा बेटी ऐसे ही फ्री किस बात का शुरू कर देगा तो हमको दौड़ी कौन देगा? देखो मेसर, अगर तुम हमको 150 तोला सोना देने सकता तो इधर ठहरो, नहीं तो इधर से जाओ। तुम फिक्र मत करो पापा, हम तुमको सोने में दफन कर देगा। पापा इस लफंगे का एतबार नहीं करना। हाँ देखो पापा, अगर तुमको अपनी लड़की का हाथ किसी के हाथ में देना है तो फिर किसी शरीफ खानदानी पढ़े लिखे बरसर रोजगार नौजवान के हाथ में दो, भले वो मेरी उम्र का ही ना हो। हाँ, ये बात भी सोचने का है। सॉरी सर, मैं एक मिनट लेट हो गया। एक मिनट लेट? हाँ, तुम तो बल्कि एक मिनट पहले मालूम होते। ओ, फिर तो ग्रेट नुकसान हो गया सर। इस एक मिनट में तो मैं रकीब की ऐसी की तैसी फेर सकता था। रकीब और इस उम्र? यस सर, यस सर। कितनी उम्र है तुम्हारी? 32 सर। 32? यस सर। और जब भर्ती हुए थे उस वक्त कितनी उम्र? 32 सर। 32? यस सर। और तुम्हारी सर्विस कितने साल की है? 32 सर। अच्छी बात है, ये तुम्हारी सुई 32 पे कैसे अटक गई? मैंने खुद अटकाई है सर। यस सर, यस सर। आपने रामायण में भीष्म पितामह का हल तो पढ़ा ही होगा? रामायण में नहीं, महाभारत में जरूर पढ़ा था। ओ, पढ़ा तो भारत में ही था ना। सर, उसकी उम्र 275 बरस की थी और उसकी लंबी उम्र का राज सिर्फ यही था कि वो मेरी तरह कुंवारा था। सर, आदमी की असली उम्र तो शादी के बाद ही गिननी चाहिए। यू आर राइट मिस्टर राव, आदमी जिंदा दिल मालूम होते हो। यस सर। सर, मैं आपके साथ चलूं? नहीं, तुम चाहो तो जाके अपने रकीब की मिजाज पुरसी कर सकते हो। यस सर। Now it is too late. यार से सुलह हो गई? यार से तो सुलह हो जाएगी, लेकिन उस यार का जो मनहूस पापा है ना, वो बीच में बहुत टांग अड़ाता है। बॉस, ए बॉस, बॉस कोई ऐसी तरकीब बताओ, ऐसी तरकीब बताओ। उसकी टांग बीच में बॉस, और वो चारों खाने जीत हो जाए। क्या चाहता उसका बाप? जाता तो बहुत कुछ है, इतना बड़ा मुंह खोलता है बॉस, डाउरी में 150 तोला सोना मांगता है। आप मत घबराओ, मैंने आपकी तरफ से हाँ कह दी है। उल्लू के पट्टे, 150 तोले सोना तेरा बाप लाएगा? चला के नाश्ता ला। नाश्ता एक नहीं दो ले आना, हम भी यार के दर पर हाजिर हैं। यार भी तो दर पे आके बिछाए बैठा रहता है, मगर एसपी साहब को फुर्सत का। काश मैं टाइगर सिंह होता और तुम मुजरिम समझकर मेरा पीछा करते, इसी बहाने यार की सूरत देखने को मिल जाती। यार क्या बताए, आए थे टाइगर सिंह को गिरफ्तार करने और खुद मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। कैसी मुसीबत? एक बड़ी खूबसूरत सी मुसीबत। कहाँ मिल गई? इसी तुम्हारे शहर में। पहली बार देखा तो देखता रह गया, दूसरी बार देखा तो दिल खिंचा चला गया, और तीसरी बार देखा तो होश आवाज खो बैठा। कहाँ रहती है? यारों के दिल में। यार लंदन में था, बगैर पूछे कदम नहीं उठाता था, और यहाँ यार को बगैर बताए टाका बिड़ा लिया बच्चों। यार जब तक के मैं लड़की के माँ बाप से बात पक्की ना कर लूं, मैं तुझे उसका नाम कैसे बता सकता हूँ? तो लड़की के बाप का नाम ही बता दो। दीवान दीना नाम। चुप क्यों हो गए? क्या मेरा इंतखाब गलत है? जवाब नहीं तुम्हारे इंतखाब का राजेश। शुक्रिया। लड़की का नाम सीमा है। अब यार के लिए सीमा पार करना मेरा काम है। सच? शेखर का वादा है राजेश, मौत टल सकती है, वादा नहीं टल सकता। अच्छा मैं चला। अरे नाश्ता खाकर नहीं जाओगे? यार मेरा तो नाश्ता हो चुका है। अच्छा तो ये दर्द तुम भी खरीद कर चुके हो, कौन है वो खुशनसीब लड़की? लड़की? लड़कियों की बात करो राजेश, शेखर हर रोज नया फूल सूंघने का आदी। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बॉस, बॉस आपने क्या किया? बॉस, अपनी मोहब्बत को नीलाम से खरीदा हुआ एक तोहफा समझकर अपनी दोस्त की झोली में डाल दिया। राजेश की मुझ पर बहुत एहसान है, ऐसे दोस्त के लिए मैं हर जन्म कुर्बान होता जाऊं तो भी कम है। तुम जाओ अपना काम करो। हेलो शेखर, कम कम कम, कहां थे इतने दिनों से? आज हमारी याद कैसे आ गई? सीमा को बुलाता हूं। नहीं, सीमा को मत बुलाइए, आज मैं सीमा के बारे ही बात करने आया हूं।
ये तो बड़ी खुशी की बात है। इस मुबारक दिन का तो मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। तुम्हें हमेशा बुरे दिन का इंतजार रहता है, पर मुझे नहीं। मैं कह देती हूँ, सीमा का हाथ इसके हाथ में हरगिज नहीं दूंगी। पर मेरी बात लाजवंती, जानती तो हो बचपन से दोनों एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद गई जहन्नम में। मैं हमेशा के लिए इस रिश्ते से इनकार करती हूँ और करती रहूंगी। फिर मुझसे ज्यादा खुदा को अफसोस होगा। माँ जी, ये रिश्ता मैं अपने लिए नहीं, अपने दोस्त राजेश के लिए मांगने आया। एसपी साहब के लिए? अरे बेटा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? हमें ये रिश्ता मंजूर है। तू जरा ठहर, मैं अभी मिठाई लाती हूँ। अरे कोई है? शेखर, ये सब क्या है? ये सब संजोग की बात है दीवान साहब। रिश्ता आपको मुबारक। शेखर, शेखर, ये तुमने क्या किया? क्या यही मेरे प्यार का इनाम है? नहीं सीमा, किस्मत मेरा इम्तिहान ले रही है। दोस्ती ने प्यार की कुर्बानी मांगी है। लेकिन इस दोस्ती का शिकार मुझे क्यों बनाते हो शेखर? आखिर मेरा क्या कसूर है? मैं मजबूर हूँ सीमा, मैं वादा कर चुका हूँ। अब अगर भगवान भी मजबूर करे तो इस वादे से टल नहीं सकता। तुम कौन होते हो मेरी किस्मत का फैसला करने वाले? अगर तुम मजबूर हो तो मैं भी मजबूर हूँ, लेकिन मैं अपने जज्बात का खून इस तरह नहीं कर सकती। मैं शादी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो सीमा। मोहब्बत लहू पीकर ही परवान चढ़ती है। जिस मोहब्बत में कुर्बानी नहीं, वो मोहब्बत ही तमाशा है। मैं भी तो खून के आंसू पी रहा हूँ और हंसने पर मजबूर हूँ। सीमा, किस्मत को यही मंजूर था, मुझे माफ कर देना। क्या यही मेरे प्यार का इनाम? नहीं जी, किस्मत मेरा इम्तिहान ले रही। दोस्ती ने प्यार की कुर्बानी मांगी। लेकिन इस दोस्ती का शिकार मुझे क्यों बनाते हो शेखर? आखिर मेरा क्या कसूर है? मैं मजबूर हूँ सीमा, मैंने वादा कर लिया है। अब तो अगर खुदा भी मजबूर करे, मैं इस वादे से फिर नहीं सकता। तुम कौन होते हो मेरी किस्मत का फैसला करने वाले? अगर तुम मजबूर हो तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं अपने जज्बात का इस तरह खून नहीं कर सकती। ये शादी हरगिज़ नहीं होगी, हरगिज़ नहीं होगी। गंदा मजाक करने की जरूरत कैसे हुई राजेश? जिस लड़की को खिलौना समझ के खेल रहा था, उसे यार के गले मर दिया। नहीं राजेश। और ये समझ लिया कि मैं उससे शादी करके तेरी जिम्मेदारी अपने साथ ले लूंगा? क्या इसी का नाम दोस्ती है? राजेश, तेरी दोस्ती के लिए अपनी जान भी निसार कर सकता। मैं भी यही समझा था, लेकिन अब मैं तुझसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि वेनी के फूल सुनकर खाली वेनी यार के गले में क्यों डाल दी? राजेश, अब ये मसली हुई वेनी तुझे ही मुबारक हो और तेरे ही लायक है। राजेश, सीमा वो नहीं जो तुम समझ रहे, लेकिन वो वेणी तुम्हारे पास कैसे? भूल जाओ उस वेणी को। मेरा इत्मीनान करो राजेश, सीमा गंगा जल की तरह पवित्र है। तुमसे शादी करो राजेश, उसे शादी कर लो। दुनिया में जो सुख तुम उसे दे सकते हो, कोई नहीं दे सकता। और फिर देखो, मैंने उसके माँ बाप से तेरी शादी की बात पक्की कर ली। अगर तुमने शादी नहीं की तो क्या इज्जत रहेगी उनकी? देख राजेश, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नत करता हूँ। जहां जिंदगी में तुमने इतने एहसान मुझ पे किए हैं, एक एहसान और कर दो। सीमा से शादी कर लो राजेश। सहर
पी रही हो? सुनो, हमारे होते हुए जरा देखो भाभी दूल्हा कौन है। सीमा, मैंने कहा था ना, मोहब्बत बहुत बड़ी ताकत है, हर तूफान के सामने चट्टान बन जाती है। मैं ये बहुत बड़ी चट्टान, मैं ये शादी हरगिज नहीं मानूंगी। ये शादी नहीं, धोखा है, 420 है। मुझे आपसे इस मजाक की उम्मीद नहीं थी। ये मजाक नहीं, हकीकत है मिसेज दीनानाथ। दरअसल ये शादी मेरी ही थी, लेकिन जब मुझे शेखर और सीमा की मोहब्बत का पता चला तो मैंने अपना फर्ज निभा दिया। ये फर्ज नहीं, फरेब है। मैं आईजी साहब से रिपोर्ट करूंगी कि पुलिस खुद लोगों से मिलकर शरीफ लोगों की पगड़ी उछालती है। अब ये डोली इस घर से हरगिज नहीं जाएगी। लाश बनती, ये डोली जरूर जाएगी। इसमें किसी का दोष नहीं है, ये संजोग की बात है। और फिर मिस्टर राजेश ने शादी के पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। ये शादी मेरी खुशी और रजामंदी से हो रही है, समझे? Honeymoon in Switzerland. Come on. Good luck. Love you. Cheers, Hansen.
दर्द की मुझ पे क्या नजर डाले, मेरी हालत खराब कर डाली। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शे है, दिल तुम्हारा पे क्या नजर डाले, मेरी हालत खराब कर डाली। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शहर, जिसने डाली बुरी नजर डाली। प्यार की मुझ पे क्या नजर डाले। शेख बदर ने हमारे लिए हीरा भेजा, हमको दो, हम इसको टाइगर सिंह के पास स्विट्जरलैंड में पहुंचाएगा। ये हीरा हमारा, तुम मत बोल। माय स्वीट लव हसन, सिंधी कर शतों का मत कर, क्यों अपनी मौत कलम करता है? टाइगर सिंह को पता चल गया तुम्हारे छक्के छुड़ा देगा। हसन, अमान में ख्याल मत कर। दे दो कि आज दिन और रात काम बंद कर दे। ओके, शेर खान वतन के लिए जान भी दे सकता है। जान और वतन दोनों अपने पास रख, काम की बात कर, काम की पागल कहेगा। चलो, नो वर्क टुडे, आज काम बंद कर दीजिए। टाइगर सिंह का ऑर्डर है। टाइगर सिंह का ऑर्डर है? टाइगर सिंह का तो दिमाग खराब हो गया है। ठीक है काका सेठ, उससे पैसे पर हुकुम चलाता रहे। मैं उससे निपट लूंगा। जिन लोगों से हमने सोना वसूल किया है उनको क्या जवाब दिया जाएगा? अगर यही हाल रहा तो फिर कारोबार बंद हो जाएगा और मेरे रुपए का क्या होगा? फाल्को, तुम चुप रहो। लॉन्ग जॉन। यस काका सेठ। जग्गू से कह दो कि आज सिर्फ
गोल्ड फिश की सप्लाई बंद की जाए। पिंजो याद रहे कि बोर्ड नंबर 40 जरूर जाएगी। काका सेठ डीडीटी गोल्ड फिश उठा कर ले गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। इडियट, ये क्या, हम क्या इधर मच्छी का दुकान खोलेगा? हम मच्छी नहीं, तुमको सोना बोला था सोना। रे पापा, तुम सोने का डल्ला खा नहीं सकता है, मच्छी खा सकता है, उसको हजम कर सकता है। मच्छी में ए बी सी डी ई एफ जी सारा विटामिन है, इसको खाएगा तुम्हारा रंग सोने की तरह हो जाएगा। मम्मा का और सरी डाउन का हेल्थ बहुत डाउन होता है पापा, इसलिए हम मच्छी लाया। ये कैसे हो सकता है, मच्छी हम खाएगा, हेल्थ उनका अप होएगा। क्या नहीं होएगा, जरूर होएगा, हम अपना हेल्थ बनाएंगा। तुम अपना मच्छी लेकर इधर से फौरन जाएगा। नहीं जाएगा। जाएगा। नहीं जाएगा। जाएगा। जाएगा तो फिर हमारा साथ जाएगा, हम सब कुछ राइट करेंगे। कम ऑन दीदी। ओके ओके। ये बुढ़िया बिल्कुल जप रहा है। ए लुक मैं तो हाई मछली का पीछे और ये मछली वापस करता है। हम लफड़ा नहीं किया, तुम्हारा हस्बैंड ने लफड़ा किया। Yes, you idiot. ना तुम जोड़ी मानता ना ये दिन देखने को मिलता। अरे वो सेंट का बची जोड़ी हम नहीं, तुम लिया। तुम लिया। तुम लिया। तुम लिया। आर्डर आर्डर आर्डर। चलो अपना जेवर उतारो, उतारो सारा सोना, उतारो उतारो, जल्दी करो और अपना अपना नाम लिखाओ। हाँ चलो चलो। पापा क्या नाम है तुम्हारा? तुम पापा का नाम नहीं जानता? अरे ड्यूटी पर हम अपने बाप का नाम नहीं जानता, तुम क्या है? चलो मुंह से उतारो। व्हाट? आई एम सॉरी सॉरी, सर से कुतुब मीनार उतारो, ये पुलिस स्टेशन है। ओके मिस्टर राव। फरमाओ। तुम ये क्या लफड़ा करता, पहले शादी बनाना मांगता और फिर पुलिस स्टेशन लाता? और कहाँ तुमको लाता, हमारे घर तुम आना नहीं मांगता, मस्का हम लगाना नहीं जानता। देखो लड़की, हम ड्यूटी पर है, हमारा दिल डावाडोल मत करो। अरे ओ डीडीटी के बच्चे, ये थोक के भाव से सोना तुम किधर से लाया? अरे हम किधर से लाया, गॉड ने मच्छी के पेट में उतार दिया, हम सिर्फ मच्छी लाया। मच्छी किधर से लाया? हमारे बॉस का कंपनी का जो ट्रक है ना, वो रोज मच्छी इधर से उधर करता है, वहां से हम मच्छी लाया। Hello, Shekhar. This is for you. Oh, thank you very much. Bye, bye. Bye. ये वही लड़की है जिसने बियर फेंकी थी? यहाँ किस लिए आई? मुझसे माफी मांगने चली आई। माफी मांगने? और इस कमरे में? देखो, अजीब पागल लड़की है। और जाते जाते तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट छोड़ गई। अगर मेरे लिए लाई थी तो तुम्हें देने की क्या जरूरत थी? Darling, we are in Europe. दिल बड़ा रखना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता शेखर, पहली रात को तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे और अब ये लड़की सीधे हमारे बेडरूम में चली आई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम मुझ पे शक कर रहे हो। शक तो तुम पैदा कर रहे हो शेखर, न जाने क्यों मुझे डर सा लगने लगा है। ओ, अब तुम खाम का डर रही हो, आओ जरा बेडरूम में आओ। ओहो, सुबह बेडरूम, दोपहर बेडरूम, रात को बेडरूम, हर वक्त बेडरूम बेडरूम बेडरूम। मैं इस जगह से तंग आ चुकी हूँ, चलो घर चले शेखर प्लीज। सच मुझ तंग आ चुकी? हाँ। ओके डार्लिंग, नो मोर बेडरूम्स। हेलो मिस्टर राजेश, क्या हाल है दीवान साहब? ठीक है, आप सुनाइए क्या खबर है? खबर ये है कि हवालदार राव ने आज 150 तोला सोना पकड़ लिया। वेल डन, 150 तोला सोना? जी हाँ, वो धर्मदास तिवारी, उसने बयान दिया है कि ये सोना उसको उसके बॉस शेखर ने दिया था। शेखर ने? जी हाँ, मेरा जिगरी दोस्त और आपके दामाद, कानून उस पर शक करने पर मजबूर हो गया है दीवान साहब। मिस्टर राजेश, मेरा दामाद है तो क्या हुआ, अगर मेरी अपनी औलाद मुजरिम होती तो मैं कोई रियायत नहीं करता। शुक्रिया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। हमें इतला मिली है कि शेखर कल BOC फ्लाइट नंबर 2796 से वापस आ रहा है।
मैंने जगह जगह पर सीआईडी का इंतजाम कर दिया है ताकि हमें हर मिनट की खबर मालूम होती रहे। ओके, अब आपको एक और तकलीफ देनी है। फरमाइए। जैसे ही शेखर अली बाग डॉक पे आए, आप उसे खुद रिसीव कीजिए और उसके सामान पे कड़ी नजर रखिए ताकि हम मुजरिम को सबूत के साथ गिरफ्तार कर सकें। वेरी गुड, 50 लाख के हैं, ऑल रियल, वेरी गुड, वेरी गुड। डीडीटी गोल्ड फिश उठा कर ले गया। तुम लोग सो रहे थे क्या? जब काम बंद करने के लिए कहा गया था तो बोट नंबर 40 रवाना क्यों की गई? हमने तो काम बिल्कुल बंद कर दिया था बॉस। ये तो काका सेठ की जीत थी, इन्होंने सारा काम बिगाड़ दिया। हुक्म अधूरी की जरूरत कैसे की तुमने? तो फिर हुआ क्या? मैं सिंडिकेट में बराबर का पार्टनर हूं, किसी का नौकर थोड़ा हूं जो हुक्म मानता फिरूं। काका सेठ, हुक्म अधूरी का अंजाम शायद तुम नहीं जानते। नो 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 नो, प्लीज प्लीज मिस्टर टाइगर सिंह, मैं ये कहने का मतलब नहीं था। आइंदा ख्याल रहे, या सवा नहीं। खतरा, जरूर कोई ऊपर आया है। पुलिस के अलावा कौन हो सकता है? शेखर, नमस्ते भाई। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। शेखर कहाँ है? अभी अभी तो यहीं थे। तो फिर कहाँ गायब हो गया? यहीं कहीं होंगे, आइए मेरे साथ। शेखर, 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 धर्मदास। ओह माय गॉड, फिर वही धर्मदास, टीडीटी कहिए ना। ओह अच्छा अच्छा, साहब कहाँ हैं? ठीक है ठीक है, मैंने तो बॉस को बाहर जाते हुए नहीं देखा। किस मुजरिम की तलाश हो रही है एसपी साहब? तुमसे बड़ा मुजरिम कौन होगा जो यार को 2 महीने के लिए अकेला छोड़कर चला गया। कहाँ गायब हो गए थे? मैं और भाभी तुम्हारा बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। दिल में झांक कर देख लिया होता। अच्छा, सफर कैसा रहा? It was beautiful. अब ये सूटकेस खोलो और ये बताओ कि यार के लिए क्या लाया। सूटकेस खोलकर खुद ही देख लो, जो चीज पसंद है ले जाओ। अच्छा, इसमें भी कई काम की चीजें। इसमें मेरे लिए जरूर कुछ होगा।
बस दो ही सूटकेस। शॉपिंग के लिए टाइम ही नहीं मिला राजेश, मगर तुमने ये कस्टम ऑफिसर की ड्यूटी कब से संभाली? बड़ी जोरदार सर्च कर रहे हो यार। मैं समझा तुम मेरे लिए बहुत कुछ लाए होगे, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा शेखर मैं चला। नहीं चाय पीकर जाओ। सॉरी शेखर, आई एम ऑन ड्यूटी। आजकल ड्यूटी में बहुत जोर है। क्या बताएं दोस्त, टाइगर सिंह की मेहरबानी है। अच्छा भाभी शेखर। शेखर लेकिन हम लोग चार सूटकेस लाए थे ना। हाँ सीमा, दो सूटकेस काका सेठ के थे, उसको भेज दिए। सुनो वो मेरी छतरी कहाँ है? मुझे क्या मालूम, देखो चीज आके खुद भूल जाते, मुझसे पूछते हो तुम्हारी छतरी कहाँ है। वो रही तुम्हारी छतरी, ये लो। लेकिन यहाँ कैसे आई? हवाई जहाज से आ गए। शेखर तुम हर बार इतना गुस्सा क्यों करते हो? सीमा मैं कहाँ गुस्से होता हूँ, तुमको ऐसे लगता है? कब गुस्से हो तुम दादा? और चलो आपके कहने के मुताबिक मोटर लॉन्च से शेखर चार बक्से लेके उतरा। यस, लेकिन मुझे उसके कमरे में दो बक्से नजर आए। शेखर खुद कुछ देर के लिए बाहर था, लेकिन जब वो वापस आया तो मुझे देख के सख्त घबरा गया था। फिर तो मामला संगीन मालूम होता है। सर अगर हुक्म हो तो हल्ला बोल दिया जाए। नो रॉन्स टू लेट, हमारे पास सबूत नहीं। लेकिन सुनो, शेखर के घर के आस पास खुफिया पहरा लगा दिया जाए, और याद रखो कोई आदमी ड्यूटी पे सोने ना पाए, समझे? आदमी क्या सर, मैं सारी बस्ती को नहीं सोने दूंगा। बहरा दो होशियारी से भाई जागते रहना, बचना चोर बाजारी से भाई जागते रहना। पहरा दो होशियारी से भाई जागते रहना, बचना चोर बाजारी से भाई जागते रहना। ओ श्रीमान ओ मिस्टर तू जल्दी बने मिनिस्टर, ओ श्रीमान ओ मिस्टर तू जल्दी बने मिनिस्टर। पहरा दो होशियारी से भाई जागते रहना, बचना चोर बाजारी से भाई जागते रहना। ओ श्रीमान ओ मिस्टर तू जल्दी बने मिनिस्टर, ओ श्रीमान ओ मिस्टर तू जल्दी बने मिनिस्टर। बचना चोर बाजारी से भाई जागते रहना। देखी आजादी के साथ साथ महंगाई, पर सबको मिलकर रोते देखा क्या धोबी क्या नाई। ओ मत रो मेरे लाल, नहीं तो मैं भी रो दूंगा। और इस डर के मारे मैंने, अरे और इस डर के मारे मैंने शादी नहीं कराई, शादी नहीं कराई। होशियारी से भाई जागते रहना, बचना चोर बाजारी से भाई जागते रहना। ओ श्रीमान ओ मिस्टर तू जल्दी बने मिनिस्टर, ओ श्रीमान ओ मिस्टर तू जल्दी बने मिनिस्टर। पहरा दो होशियारी से भाई जागते रहना। नींद से और दुश्मन होशियार, जाग नहीं तो ले डूबेगी दुश्मन की ललकार। ओ प्राजी जागो, ओ लुट जाएगा देश वो जिसके, लुट जाएगा देश वो जिसके। सो जाए पहरेदार, सो जाए पहरेदार। आप
लॉन्ग जॉन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जमाल पाशा माल लेकर खड़ा है, फौरन क्लियर हो जाए। कोड नंबर 3113 North 7। पूरे 5 करोड़ का सोना है, मैं अभी बोर्ड लेके जाना है। फसल माल बोर्ड से नहीं आएगा, पुलिस पहले ही हमारे पीछे पड़ी है। तो फिर क्या हुआ? पुलिस तो हमारी मुट्ठी में है। यू डोंट टॉक नॉनसेंस। पिंटो, यस बॉस। माल अंडर वाटर टनल से क्लियर होना चाहिए। अंडर वाटर टनल इज रेडी, गो अहेड। होल्ड अप, हैंड अप। बॉस, जमाल पाशा की बोर्ड से हमारा लिंक कट ऑफ हो चुका है और बॉस रेड सिग्नल भी मिल गया। रेड सिग्नल? माल का क्या हुआ? ओह, मुझे तो पहले ही मालूम था ये मेरा बड़ा गलत होने वाला है। सिंह, तुम्हें इतनी बड़ी कंसाइनमेंट लाने की क्या जरूरत थी? शट अप। कांग्रेचुलेशन बॉस, द गोल्ड कंसाइनमेंट इज हियर। अब सही बात बनी, सब सोना ही सोना। असली सोना, मैं जानता था टाइगर सिंह तुम्हारे होते हुए इस माल पर कोई आंच नहीं आएगी। सीमा देवी आई। तो ये है तुम्हारा बिजनेस शेखर। आने की जरूरत कैसी होगी? तुम्हारे काले करतूत देखने के लिए। ये मेरा बिजनेस है। अगर यही तुम्हारा बिजनेस है तो लालच है ऐसे बिजनेस पर, ऐसे ऐशो आराम और ऐसी जिंदगी पर लालच है। सीमा, तुमने यहाँ आकर गलती की है, अब हद से ज्यादा मत बढ़ो। जब तुम इंसानियत की हद से गुजर चुके हो तो मुझे हद में रहने की क्या जरूरत है? शेखर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारा एक ऐसा रूप भी होगा। अब मैं समझी हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है और क्यों तुम्हें तरह तरह के लोग मिलने आते थे। इसलिए कि तुम स्मगलिंग का जलील धंधा करते हो। सीमा, देशद्रोही बनना था तो इससे तो अच्छा था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरते। इस मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिस इनाम की हकदार थी मुझे मिल गया। अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। यह तो बहुत बुरा हुआ बॉस, उसे यहां नहीं आना चाहिए था। मामला बहुत खतरनाक हो गया है, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और अब सिंडिकेट के रूल के मुताबिक उसे इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। काका सेठ, बरदार जो सीमा के लिए एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, अगर उसके जिस्म पर एक भी खराश आई मैं तुम सबके टुकड़े कर दूंगा। डॉक्टर साहब, आपके पास मेरे खिलाफ सबूत क्या है? सबूत मिलता तो आप इस तरह आजाद ना होते। तो फिर आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? ये बताइए, आपने अपने घर को क्यों उड़ा दिया? यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि आप लोगों के रोते हुए मेरे घर को आग किसने लगा दी? भगवान का लाख लाख शुक्र है उस वक्त मैं अपने घर में नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि आधी रात को सीमा घर छोड़ने पर क्यों मजबूर हुई? दीवान साहब, ये सीमा पर मेरा जाती मामला है, आप दखल मत दीजिए। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, अपनी बीवी को आप पर बोझ नहीं बनने दूंगा। हेलो बेटी, हेलो। नहीं बाबा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ कैसा बेटी, हम गरीब जरूर हैं मगर दिल के बादशाह हैं। दुनिया में इंसान इंसान ही के काम आता है। आत्महत्या करना पाप है बेटी।
आओ बेटी आओ, आओ बेटी आओ। मिस्टर राजेश, आप सोना तो पकड़ नहीं सके, पर वही सोना सिल्वर में चेंज होकर आज रात को अलीबाग बीच से स्मगल हो रहा है। मगर तुम सामने क्यों नहीं आते? दर्शन जरूर करूंगा। हेलो हेलो, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं शेखर। आंख बंद करके ये मत सोचो कि सारी दुनिया अंधी है, कानून तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मैंने कानून से रहम की भीख कब मांगी है? एसपी साहब, आपके पास अगर कोई सबूत है तो शौक से हथकड़ी लगाइए। मैं तुम्हें हथकड़ी लगाने नहीं आया हूं, मैं तो यहां सिर्फ एक दोस्त के नाते आया हूं। तुम्हारी बीवी 4 दिन से लापता है, तुम्हें शायद यह भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर चुकी है। ये मेरा जाती मामला है राजेश, इसमें दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं। शेखर, तुम इंसानियत से इतना गिर सकते हो ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तू मेरा यार है राजेश, पर हाथ तो क्या, मैं आंख भी नहीं उठा सकता। यारी के नाम पर बट्टा मत लगाओ शेखर, मुझे तुम्हें यार कहते हुए शर्म आती है। जो इंसान अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है वो किसी का यार क्या बन सकता है? एक तो वो यार है जो कदम कदम पर देशभक्त के नाम से कानून की मदद करता है, और एक यार तुम हो जो कदम कदम पर देश से गद्दारी कर रहे हो। लानत है ऐसी यारी पर। काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर के दिखा सकता राजेश, अपना दिल चीर के दिखा सकता। सोना आपको मिल चुका है, हमें मार चाहिए। पुलिस ने हमारा डैन उड़ा दिया है, सारा सोना जमीन में दफन हो चुका है, अब हम तुम्हें माल कहां से देंगे? काका सेठ, गोल्ड हमारे पास है, इन लोगों को माल सप्लाई कर दिया जाए, आप लोग जा सकते हैं। शेखर, जब तक गोल्ड सामने नहीं आ जाता काका से घाटा नहीं जा सकता। तुम पार्टी पर शक कर रहे हो? ये सब छोड़ो, अड्डा टूट चुका है, पुलिस चारों तरफ सुन रही है, क्या मालूम कल क्या हो जाए। ईमानदारी चोरों में भी होती है। शेखर, काका से बिजनेस में बेइज्जती बर्दाश्त करने का आदी नहीं है। टाइगर भी हुकूमत उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर क्या है? मैं इस पार्टी में हरगिज काम नहीं कर सकता, इस सिंडिकेट में हरगिज काम नहीं कर सकता। मेरा हिसाब दिखा दो। हिसाब? काका सेठ, अभी तुमसे बहुत से हिसाब चुकाने हैं। मुबारक, सिंडिकेट का मैसेज, बहुत बड़ा डील। क्या है वो डील, किसका मैसेज? शेख फजल लुकाबी, मिस्टर अलवरिस, मिस्टर शपीरो, किंग ऑफ स्मगलर का मैसेज। क्या है वो मैसेज? करोड़ों का सोना बैंक आग से आता और इंडिया टच करके जाता। वेरी गुड छोटा शेख, वेरी गुड। अब आप लोगों ये सोना जहाज में से उड़ाना मांगता। लेकिन ये काम टाइगर के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। सिंडिकेट टूट चुका है काका सेठ। छोटा शेख, कहाँ जाता है आप? डील की बात हमसे करो। कैसे करेगा? सिंडिकेट का ऑर्डर है कि टाइगर सिंह के अलावा डील किसी दूसरे के साथ नहीं होगा। अलविदा। बोलो शेख। टाइगर सिंह, हमको काका सेठ बहुत अड्डे लगाया, मगर हम उस चोर की बात पे बिल्कुल नहीं आया, आएगा भी कैसे? सिंडिकेट का ऑर्डर, हमारा बास शेख पदर बोला डील टाइगर सिंह से होना मांगता। शेख पदर, उससे मिलने के लिए तो मैं आज तक जिंदा हूं, उसकी मेहरबानी से तो मैं इंसान से टाइगर बना हूं। डील क्या है शेख? पाशा को सब प्रोग्राम बोला, जैसा पाशा बोलता वैसा करो, जिधर बोलता उधर जाओ। पूरे 15 मिलियन पाउंड का डायमंड आता, डायमंड। डायमंड? शेख तुम बोलता है सोना है और इंडिया टच करके जाता है। तुम भी कमाल करता, स्मगलर लोग कभी सच बोलता। तुम पाशा के साथ अलास्का जाओ, अलास्का। अलास्का?
अलास्का। ओके, डील इज डन। You both are the most beautiful girls of the world. Hey, what's wrong with you? Are you angry? Yeah, I'm angry. Why you got your car? Thank you.
है कि टाइगर सिंह और तुम इंग्लैंड में एक साथ पढ़ते थे, और ये भी सुना है कि शेखर तुम्हारा जिगरी दोस्त भी है। घबराइए नहीं सर, फर्ज के सामने दोस्ती कोई चीज नहीं। वेरी गुड, हमें आपसे यही उम्मीद थी। अब आप उसे इश्तिहारी मुजरिम करार दे दीजिए और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम मुकर्रर कर दिया जाए। ओके सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग समझा कैसे? दीवान साहब कही बात क्या है? शेखर कहाँ है? शेखर को तो बहुत दिन पहले से ही मैंने डिसमिस कर दिया था। माजरा क्या है? शेखर 60 करोड़ रुपए का सोना लेकर हो गया है। 60 करोड़ का सोना? बेटा शेखर जिंदाबाद, उसने अपने देश की बड़ी सेवा की थी। हवालदार जी, आज मुल्क को सोने की सख्त जरूरत है। 60 करोड़ का सोना मुल्क का हुलिया बदल सकता है। शेखर को तो इस कारनामे पर गोल्ड मेडल अवार्ड मिलना चाहिए। बूढ़ा सिंह जी, आप भी लोगों की तरह गलत समझ रहे हैं ना? वो कैसे? देखिए, आप 100 रुपए का सोना लाए। लाए? पर मैं कब लाया? आप फर्क कर लीजिए झूठ मूठी के, इंटरनेशनल भाव पर आप 100 रुपए का सोना लाए। लाए। अच्छा, तो फिर आप पेमेंट कैसे करेंगे? माल लेकर। कितना माल देकर? 100 रुपए का सोना लेकर 200 का माल देंगे। तो हुआ ना मुल्क का डबल नुकसान, 100 रुपए अंदर आया और 200 रुपए का माल बाहर गया। पर हवालदार जी, इसमें मुल्क का क्या नुकसान हुआ? 60 करोड़ का सोना तो मुल्क में मुफ्त आया। राजीव भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो मुफ्त वाला सोना है कहाँ? यही तो रोना है हवालदार साहब, मैं नहीं जानता कि सोना किधर है। सरदार जी, तुम नहीं जानते लेकिन काका सेठ तो जानते हैं। क्यों काका सेठ, देश की सेवा नहीं करोगे? दीवान साहब, देश की सेवा के लिए तो मेरी जान तक हाजिर है। काका सेठ, तो बताइए शेखर कहाँ है? ये सब मैं नहीं जानता। काका सेठ, हमें दिल्ली का रास्ता मत दिखाओ, ये बताओ कि मुजरिम का ठिकाना कहाँ है। तुम मेरा ख्याल है ये नहीं जानते कि सोना पकड़ाने वाले को गवर्नमेंट 10% इनाम भी देती है। काका सेठ, हवालदार साहब ठीक कहते हैं, हम आपको 10 मिनट सोचने की मोहलत देते हैं। आप सोच लीजिए, हम बाहर इंतजार करते हैं। आइए दीवान साहब। सुनो बूढ़ा सिंह, पुलिस का कहना तो ठीक ही है, फिर देश सेवा का सुनहरी मौका यही है। तुम्हारी तो किस्मत जाग उठी है। वो कैसे? तुम पुलिस के साथ जाकर शेखर को गिरफ्तार करवा दो बस। हाँ, वो तो मेरा इलाज तेरा बाप उठाएगा। शट अप। मालको पता मैं दे देना, देश सेवा आप पे ही कर लो। ठीक है। मिस किटी को अंदर भेज दो। जी काका सेठ, आपने मुझे याद किया? नहीं मिस किटी, तुम्हारी गुडलक ने तुम्हें याद किया है। पुलिस बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। पुलिस को इस बात का पता लग चुका है कि तुम यहाँ छुपी हुई हो। अब मैं तुम्हें और ज्यादा देर के लिए छुपा नहीं सकता यहाँ। तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा? ये कि तुम पुलिस के साथ मिल जाओ और शेखर को फौरन गिरफ्तार करा दो। नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मिस किटी, तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, इसे जाओ अंदर। ठीक है, मैं पुलिस के साथ जाऊंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। शटर नंबर 7। हमको हमारा शेयर मांगता, हमको नहीं मांगता, हमको नहीं मांगता। शट अप। टाइगर बकवास सुनने का आदी नहीं है, और इतना बेवकूफ भी नहीं है कि लाखों करोड़ों का माल तुम्हारे हवाले कर दे ताकि तुम आपस में लड़ते मरो। मौका आने पर सबका माल दे दिया जाएगा। मौका कब आएगा? हम एलिवेट 3 साल से तुम्हारे पीछे कुत्ते की तरह भागता, और तुम हमारी बातें नहीं सुनता है। हम तुम्हारा डायमंड ट्रेन में 15 मिलियन पाउंड का सेल किया, कोई भी जिन किया, हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारा शेयर क्यों नहीं देता? याद रखो, हमारे बॉस को पता चलेगा, वो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। और हमारा शेख बदर मौत के माफिक तुम्हारा पीछा करेगा। तुम नहीं जानता, वो बेईमान का पक्का दुश्मन है। वो तुम्हारा खाल खींच लेगा और तुम्हारा खून पी जाएगा। खून पीना तो टाइगर का काम है खुर्शीद, और वक्त आने पर पता चल जाएगा टाइगर किसके खून का प्यासा है। चलो नहीं, मैं सबसे पहले तुम्हारे बॉस शेख बदर से मिलूंगा। कहाँ है तुम्हारा बॉस? मिस्टर शपीरो, एंजेलिस अलास्का। शेख बदर, तबरेज, ईरान।
इन दोनों से मिलने के लिए तो मैं बरसों से तड़प रहा हूं। माल तुम्हारे बॉसेस को पहुंचा दिया जाएगा। बॉस, पुलिस, भागो, भागो। गिरफ्तार कर लो इन सबको। गिरफ्तार हो? सर, क्या है? टाइगर सिंह। टाइगर सिंह? यस सर। ले जाओ इन सबको पुलिस स्टेशन। ओके सर। तुम्हें तलाश नहीं किया सीमा, मेरा यकीन करो, जुदाई की खड़ियां मैंने अंगारों की सेज पर काटी। मैंने भी इस जिंदगी फूलों की सेज पर नहीं गुजारी है शेखर, न जाने किस पाप की सजा मिल रही है मुझे। भगवान के लिए तुम यहां से चले जाओ, मुझे अपनी गिरफ्तारी का सबब ना बनाओ शेखर। इस दुनिया को यह कहने का मौका मत दो कि 50,000 रुपए के लिए एक पत्नी ने अपने पति को गिरफ्तार करा दिया। चले जाओ। सीमा, मेरा बच्चा मुझे दे। छोड़ दो टीन को, मत याद दिलाओ कि मैं एक स्मगलर के बच्चे की माँ हूँ। मर गया तेरा डैडी, जिसने हमारे सुख चैन में आग लगा दी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। मेरे बच्चे के दिल में जहर मत भरो। खून को खून से जुदा करने वाली तुम कौन हो? खून? किसका खून? एक क्रिमिनल का खून, एक स्मगलर का खून। उठाओ अपने इस गंदे खून को, मुझे इस खून से नफरत हो चुकी है। सीमा, मुझसे जितनी जी चाहे नफरत करूं, लेकिन मेरे खून को गाली मत दो। दुनिया में कोई बुरा पैदा नहीं होता, इंसान के हालात उसे बुरा बना देते हैं। आज से 20 वर्ष पहले कुदरत ने हमारे खानदान के साथ एक भयानक मजाक किया था। तुम जानती हो मेरे पिता सिलाइंस हाउस पर काम करते थे। रत्नाकर साहब, जरा सोच समझ कर कदम उठाइए। मैंने सब कुछ सोच लिया है, चलाओ पुलिस को खबर दे। पुलिस तक पहुंचेंगे कैसे? इस स्मगलरों ने लाइट हाउस को चारों तरफ से घेर रखा है। क्या तू भी इनसे मिल गया है? समझ लो, देश के दुश्मनों, आज तुम्हारी वजह से देश की हालत खराब है। ओ देशभक्त। आपकी ये हालत किस पापी ने कर दी? वतन के दुश्मनों ने गद्दार रमन स्मगलर के साथ मिल गया है। आज मैंने उसे देख लिया तो मेरा ये हाल हुआ।
उसके टुकड़े कर दूंगी और उसका खून पी जाऊंगा। बेटी बेटी तू जल्दी जाकर पुलिस को खबर कर, स्मगलर की लॉन जाने न पाए, रमन की जली तमन्ना पूरी न होने देना, एक एक करके सब अपनी जान पर खेल जाना, मगर 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 पुलिस को। शेखर मैं जाकर पुलिस को खबर करती हूँ। ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग बहुत कुछ जान चुके हो, इसलिए हमारे कानून के मुताबिक तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बिल्कुल ठीक। और तुम देश के दुश्मनों को जिंदा रहने का हक है? तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो, दरिंदे। खामोश, वरना जबान खींच लूंगा। जो जबान सच कहने पर तुल जाए उसे भगवान भी नहीं रोक सकता। चुप हो जा लड़की। हरगिज नहीं कमीने कुत्तो, वक्त अगर तुम्हें छोड़ भी दे, हुकूमत तुमसे बेखबर रहे, जनता तुम्हें माफ भी कर दे, मगर भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। काका सेठ, क्यों ना इन सब लोगों को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। हम इतना बड़ा पाप मुफ्त में अपने सर क्यों ले, क्यों ना इन सबको मिस्टर शबीरो के बोर्ड पर भेज दिया जाए, ताकि वो इन सबको समंदर में डालकर गरीब मछलियों की दुआएं। तुझसे बड़ा जलील कुत्ता इस दुनिया में पैदा नहीं होगा, याद रख तेरा भी यही अंजाम होगा, तू भी मछलियों की खुराक बनेगा। बस ले जाओ इसको। पहले तो तुमने मेरा सुहाग छीन लिया, अब हमारी इज्जत से खेलना चाहते हो? मैं ये सब नहीं देख सकती। तुम नहीं देख सकती, तुम नहीं देख सकती। कर निकल जा, मेरे साथ अगर तू भी मर गया तो इस खानदान का बदला कौन लेगा? मुझे ऐसी जिंदगी की तमन्ना नहीं। शेखर तू समझता क्यों नहीं, देख इज्जत बचाने के लिए एक गोली बाकी है, तुझे मेरी कसम इस जुल्म का बदला जरूर लेना, तू टाइगर बन टाइगर, जख्मी टाइगर बदला लेना कभी नहीं भूलता। जा लाइफ को लेके समुद्र में कूद जा, जा मेरे भैया जा। इस तरह अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मेरी बहन ने अपनी जान दे दी और मैं समुद्र में कूद गया। एक दूसरे जहाज के कप्तान ने मेरी जान बचाई, राजेश की मदद से मैंने अपनी तालीम पूरी की। मेरी माँ और बहन की चीखें हर वक्त मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। कम तोड़ती हुई मेरी बहन ने कहा था, इन दरिंदों से बदला जरूर लेना, और बदले की उस आग ने आज मुझे इंसान से टाइगर बना दिया है। सीमा, जब तक इन कुत्तों से एक एक करके बदला नहीं ले लूंगा, मुझे कभी चैन नहीं आएगा, मुझे कभी चैन नहीं आएगा। Don't.
किसी लाल कमीज और नीली पतलून वाले आदमी को भागते उस तरफ देखा? क्यों जाया करते हैं, ये तो गुंगा है। नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी अपने काम पे लगे हुए हैं, किसी को नहीं देखा साहब। देखा रहे जाओ। अच्छा साहब। ये असली गद्दार है, ये असली गद्दार है, इंटरनेशनल क्रूक। वो देखिए इंटरनेशनल क्रूक। होशियार गार्ड, होशियार, होशियार। टाइगर सिंह इस सब घोगा में है और भागने की कोशिश कर रहा है। शाबाश, सिंडिकेट के वफादार कुत्ते, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। टाइगर सिंह, हेलो पुलिस। अमन, गद्दारी तेरी पुरानी आदत है, याद है आज से 20 साल पहले गोगा लाइट हाउस के इंचार्ज रत्नाकर की पूरी फैमिली को तुमने खत्म कर दिया था। नहीं नहीं, लेकिन वो फैमिली तो डूब मरी थी। लेकिन उस बदकिस्मत फैमिली का एक लड़का बच गया था, जो आज तेरी मौत बनकर तेरे सामने खड़ा है। और तुझे ये रामपुरी चाकू भी याद होगा, जिसने तुम्हारे बाप की जान ली थी। शेखर कहाँ है? कौन शेखर? टाइगर। वो तो जंगल में होगा साहब। टाइगर सिंह कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। सर, इसकी कब्र तैयार है। मेरी कब्र? इसे ले जाकर जिंदा गाड़ दो। बताता हूँ, बताता हूँ। टाइगर सिंह तबरेज ईरान गए हैं। तबरेज ईरान? Oh, my dear.
रखनी है। किधर है? सुना है शेख, लेकिन इधर कैसे ला सकता था? सामने पहाड़ी पर छुपा कर रखा है। चलो अपना हिस्सा ले लो। चलो किया? इधर तुम्हें दफन किया जाएगा शेख। ये गोली क्यों चली? जरूर कुछ गड़बड़। याद है मेरी आंखों के सामने मेरी मां का खून किया था? मैं जाने नहीं दूंगा शेख, मैं जाने नहीं दूंगा। के मुताबिक ईरान इंटरपोल ने वहां रेड की थी। शेख बदर मारा गया और टाइगर सिंह फरार हो गया। इन्फॉर्मर यास्मीन ईरान पुलिस के कब्जे में है। यास्मीन का कहना है कि टाइगर सिंह शपीरो से मिलने अलास्का जरूर जाएगा। हेलो, ऑल प्लेन्स फॉलो अलास्का सफारी इन 8108 यांकी। आई रिपीट, ऑल प्लेन्स फॉलो अलास्का सफारी 8108 यांकी। यास्मीन, ये क्या गड़बड़? शेख क्यों मारा गया? अब तुम्हारा बारी। उसका ये मजाल, हम उसको फिनिश कर डालेगा। गोल्ड खींचा रही। गोल्ड? गोल्ड। गोल्ड उसके पास? गोल्ड 50-50। टाइगर अभी आएगा। ये लो लिपस्टिक बॉम्ब। ये खोलेगा, लगाएगा, फिर बंद करेगा, फिर उसके पॉकेट में डालेगा। एक मिनट के बाद वो फिनिश हो जाएगा। ओके बॉय। हेलो मिस्टर शपीरो। हेलो मिस्टर पिंटो। मिस्टर शपीरो। यस टाइगर सिंह, वेलकम। वॉन्ट यू कम इन? हेलो। Thank you.
हेल्प योर सेल्फ, मैं अभी आता हूं। नादान छोकरी, मेरे को पहले से डाउट था। शूट। Thank you.
दोस्ती का लिहाज नहीं करूंगा। अपने साथी को मार कर मुझ पर एहसान जताने की कोशिश मत कर। मैं एहसान नहीं जता रहा हूं राजेश, अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रहा हूं। मैं भी अपना फर्ज अदा कर रहा हूं शेखर, अपने आप को मेरे हवाले कर दे वरना तुझे गोली मारते हुए मेरा हाथ नहीं कांपेगा। ठीक है राजेश, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं। चारा नहीं था। रॉबर्ट से कहो राजेश को हॉस्पिटल पहुंचा दे। बॉस, जग्गू कहां है? I have killed him. और इस दुश्मन को बचा के लिया है? क्या तुमने अपने आदमी को खत्म करने का फैसला कर लिया है? Shut up! टाइगर सिंह से जो भी टकराएगा खत्म कर दिया जाएगा। जानते हो हिंदुस्तान में जंग छिड़ चुकी है और मुकद्दर बनाने का यही सुनहरी मौका है। सोने का भाव 4 गुना हो चुका है, इसलिए हम आज ही हिंदुस्तान वापस जाएंगे। कमान, भारत माता को बचाने के लिए डिफेंस फंड में दिल खोल कर चंदा दीजिए। आज देश को सोने की सख्त जरूरत है। काका सेठ, हमारे मुल्क को भी सोने की सख्त जरूरत है। अनवर साहब, चलिए आदाब से काका सेठ। काका सेठ, खुशकिस्मती से जंग छिड़ गई है और जंग मुकद्दर बनाने का बेहतरीन मौका, और हमारा मुल्क सोने की हर कीमत देने को तैयार। यही तो बदकिस्मती है अनवर साहब। सच जानो मैं तो आपको सोने के ढेर में दफन कर देता, मगर क्या करूं, सोने के जखीरे तक मैं हाथ नहीं पहुंच पाया। काका सेठ, सोना अपने हाथ में समझो, इनसे सौदा तय कर लो। अनवर साहब, पूरे 60 करोड़ का सोना है हमारे पास। बोलो क्या भाव देते हो? हम दुगना भाव देने को तैयार। ओके, लेकिन नकद नहीं, अफीम, चर्च और कोकीन की जरूरत। डिलीवरी कहाँ दोगे? जजीरा लकाडल के पास। सोना लेकर आइए और अपना माल लेकर जाइए। डील इज डन। वाह वाह, अच्छा सौदा रहा। बाकी सब इंतजाम मैं कर दूंगा, अब आप जा सकते हैं। तुम दोनों को शेखर ने जहां भेजा है? शेखर क्या जहन्नुम में? अब वो इतबार के काबिल नहीं रहा काका सेठ। उसने अपने आदमी को मारना शुरू कर दिया है, उसकी नियत खराब हो गई काका सेठ, तो फिर हम उसकी मदद क्यों करें? बेशक,
सांप को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है। करेक्ट। सोना कहाँ है? सोना जहां पर भी है महफूज है काका से। तुम हमारी मदद करो और अपना हिस्सा लो। ठीक, तो फिर आप कोई प्रोग्राम बना लिया जाए। तुम अपने जहाज एस एस वरुणा को पॉइंट वेस्ट 20 East 32 समंदर में खराबी के बिना पर उसे रोक लो। हम अपनी लाश में सोना लेकर वहां पहुंच जाएंगे और वहां से लकैडियो आइलैंड में डिलीवरी दे दी जाए। खूब खूब डन डन डन। ये तो सरकारी है काका सेठ। मामला क्या हम लोग स्मगलर जरूर है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम देश को दांव पर लगा दें, मुल्क की जड़ को खोखला कर दें, भारत माता की इसको नीलाम कर दें। काका सेठ, अपनी माँ को कोई बेचता है क्या? ये चमन को बेच दे, हवा को बेच दे, ये चमन को बेच दे, हवा को बेच दे, इनका बस चले तो ये खुदा को बेच दे, इनका बस चले तो ये खुदा को बेच दे। इंटरनेशनल क्रू, अपने जान से बेजार हो गए क्या? नहीं जी। खबरदार, अगर जबान हिलाई तो हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाओ। नहीं जी, नहीं जी, 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 जी। देशभक्ति और बिजनेस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है जी, कोई ताल्लुक नहीं। शेखर कहाँ है? वो अपनी बीवी से मिलने वाली भाग गया। शेखर, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? इस तरह क्यों भटकते फिरते हो? अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? कम से कम मन को शांति तो मिलेगी। मन की शांति, इसीलिए तो मैं देशभक्त के नाम से हर जगह पुलिस की मदद करता आया हूँ। सीमा, अब मैं जो कुछ कर रहा हूँ मन की शांति के लिए कर रहा हूँ। वो दिन दूर नहीं जब तुम मेरा नाम फखर से ले सकोगे। खबरदार, वो घड़ी कभी नहीं आएगी। पोजीशन ले लो। अगर बच्चे की जान प्यारी है तो रिवाल्वर फेंक दो। 5 गिनने तक अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम बच्चे की जान ले लेंगे। 1 2 3 नहीं, तेरा बच्चे मुझे दे दो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। नहीं, मैं तो नहीं होगी, कभी नहीं होगी। सीमा, तुम तीनों को लेकर जाओ। नहीं शेखर, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगी। हटाओ इस सती सावित्री को। नहीं हटूंगी मैं, छोड़ दो मुझे। ले जाओ। भूता सिंह, शेखर लांगन और पिंटो काका शेर से मिल गए। वो लोग सोना दुश्मन को सप्लाई कर रहे हैं। तू भाग, मेरी परवाह ना कर, मेरी परवाह ना। बूढ़ा सिंह, काका सेठ, सबसे बड़ा टूट तैयार करो। तुम्हें लॉन्ग जान और पिंटो के साथ सोना लेकर जाना होगा। दुनिया भर का सोना हिंदुस्तान में आता है और हिंदुस्तान का सोना बाहर। काका सेठ, सिंडिकेट तो खत्म हो चुका है और अब कौन सी पार्टी बाकी है जिसके लिए सोना भेजना है? काका सेठ, ये मोटी अकल का आदमी है, जब तक पूरी तरह समझेगा नहीं तो काम भी नहीं करेगा। क्यों समझाए से? भाई मेरे शेर खान, दुश्मन मुल्क सोने का दुगना भाव दे रहा है, क्या समझे? इंटरनेशनल रेट से हम 1 का 4 कमाएंगे। यानी कि वो लोग ये सोने से हथियार खरीदेगा और लड़ाई में हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। शेर खान ये नीच काम न खुद करेगा और न किसी को करने देगा। मैं कहता हूँ हुक्म की तामील करो। नामुमकिन, ये सोना देश की दौलत है, देश को इसकी सख्त जरूरत है। तुम ये सोना दुश्मन को देकर मुल्क पर तबाही लाना चाहते हो। नहीं काका सेठ, शेर खान वतन के लिए जान दे देगा, मगर ये जलील काम हरगिज हरगिज नहीं होने देगा। ले अपनी वतन परस्ती का इनाम। लॉन्ग जॉन, बशीर इस बंदर पर टक लेकर खड़ा होगा, जहां से देख तो। काका सेठ, हमने तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि वो टगले के आलू बंदर पे खड़ा रहे। अरे पिंटो, तू मुर्ख का मुर्ख ही रहेगा, तू कभी कुछ ही सोचेगा। चल उतर मेरे साथ आ। हेर राम। पिंटो मेरे लाल, कबाब में हड्डी अच्छी नहीं होती। काका सेठ, कबाब ही नहीं है तो हड्डी कहां से आएगी?
हाँ तेरे मूर्ख के, ये करोड़ों रुपए का सोना क्या कबाब नहीं है? और वो लॉन्ग जान की हड्डी नहीं है? अब तू ही सोच, तूने अपनी जान पर खेलकर टाइगर सिंह से दुश्मनी मोल लेकर इतना बड़ा काम किया और वो लॉन्ग जान मुफ्त भी अपने चले गए। अब सोच, लॉन्ग जान की हड्डी नहीं है। ओ काका सेठ, मैं अब समझा, कबाब में हड्डी अच्छी नहीं लगती। ने लॉन्ग जान को गोली मार दी। तुम तो समझदार हो, अकल से काम लो, इस सुनहरी मौका से फायदा उठाओ, किस्मत बनाओ। इस लांच को जाने दो, मुझे सौदे में कुछ नहीं मिलेगा। सच जानो, मुझे सौदे में। के लिए मेरी जान लो, मुझे माफ कर। जान तो हर हालत में जाएगी तुम्हारी, मुझे तुमसे एक बहुत पुराना हिसाब चुकाना है। हिसाब मुझसे? हाँ तुमसे। आज से 20 साल पहले गोगा लाइट हाउस के इंचार्ज रत्नाकर की आत्मा आज तक बदला बदला पुकार रही है। लेकिन उसे तेरा क्या वास्ता? एक बेटा अपने बाप की मौत का बदला नहीं लेगा क्यों कुत्ते? मुझे माफ कर दो, मेरी जान लो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। आज तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता कुत्ते। अच्छी कुत्तो सेठ, चाहे तू भी गरीब मछलियों की दुआएं ले। आओ शेखर। जनाब एसपी साहब, मेरा मिशन पूरा हो चुका है और मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। मुझे इसी दिन का इंतजार था शेखर, मुझे तुम्हारी सब मजबूरियों का पता चल चुका है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। काश ये बात तुम मुझे पहले बता देते। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कानून तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा नरमी का बर्ताव करे।
शेखर, पुलिस की सिफारिश को ख्याल में रखते हुए भी तुम्हें कानून को हाथ में लेने के जुर्म में 7 साल कैद की सजा दी जाती है। मेरे दिल में तुझी तू है, मेरा ऐतबार कर ले, जो ये सच है मेरे साथी जरा खुल के प्यार कर ले। मेरे दिल में